जय साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 60,244। आप सबका एग्जाम हो रहा है और कुछ लोगों का जिसका हो गया है, उम्मीद है अच्छा हुआ होगा। अगर आप लोगों ने 105 प्लस या 100 के ऊपर हैं तो आप लोग बिल्कुल फिजिकल देने जा रहे हैं, ये मेरी गारंटी 110%। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है RWA पर टेस्ट देने वाले बच्चे जो 240 239 222 मतलब जो रैंक में आते थे बच्चे 43 43 100 रैंक 8,000 रैंक, वो बच्चे जो है वहाँ 105 110 से ज़्यादा नहीं करके आए हैं। वो बच्चे जो टॉपर हैं वहाँ के RWA वाले, वो बच्चे वहाँ 105 110 के आसपास आए हैं। तो सबका एग्ज़ाम ऐसे ही गया है। और बाकी जो कह रहे हैं कि GS आसान आई थी, पेपर आसान था, या तो उसने बहुत पढ़ा हुआ या तो उसको कुछ नहीं आता। जो कह रहा है आसान है, दो में से एक ही चीज़ हो सकता है। पेपर आसान नहीं था, पेपर जो है मॉडरेट लेवल था। तो मॉडरेट का मतलब ये है कि GS जो है, कोई भी एक सिंगल टीचर कह दे मेरी पढ़ाई हुई GS 50% आई है तो मैं मान लूँगा उसने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ। किसी की पढ़ाई हुई GS कहीं से भी नहीं आई है। कोई कोई टीचर बता दे, स्क्रीनशॉट दे दे मुझे किसी भी टीचर का कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ था, कोई बता दे, कोई ये पढ़ाया हुआ हो हिंदी में गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गिदड़ी होगा, गिदड़े होगा, किसी ने नहीं पढ़ाया हुआ है। कोई भी टीचर यूट्यूब पे कहीं भी आप लोग छान मारिएगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना होइए। और जिसका एग्ज़ाम अभी है, 2 दिन बचा हुआ है, जिसका एग्ज़ाम आगे है, तो वो लोग आराम से जाइएगा, रिस्क मत लीजिएगा क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने के लिए। आप लोग कोशिश करिएगा, 105-110 के आसपास आप लोग पहुंच जा रहे हैं, तो बस उतना बहुत है, ठीक है। ज़्यादा करने के चक्कर में माइनस मार्किंग में आ जाएंगे और 90-95 जाके गिरेंगे, कोई मतलब नहीं है। और हाँ, आप लोग को बता दूँ, कट ऑफ वहीं लगनी है 100 के आसपास। जनरल OBC EWS SC ST जो है, अगर जनरल OBC हैं आप लोग 100 के आसपास इर्द गिर्द, एक नंबर दो नंबर कम ज़्यादा, तो वही जानी है कट ऑफ। आप लोग वीडियो काट के रख लीजिएगा, आपने बताया था कि आप कट ऑफ इससे रहेगी, जब रिजल्ट आएगा इससे ज़्यादा गई है, ठीक है। कट ऑफ उससे ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि सारे बच्चे वही हैं, आप लोग ही पढ़ने वाले हैं, सब बच्चे वहीं इर्द गिर्द टहल रहे हैं, पेपर सबके लिए मॉडरेट है, सब उतने ही करके आ रहे हैं, सब 105-110 के आसपास ही करके आ रहे हैं। अब जो इसमें से निकल जाएगा वो आगे जाएगा, बाकी भीड़ है कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, आप लोग घबराइए नहीं, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और हाँ, मैथ के जो चार से पाँच क्वेश्चन है, मैथ में बिल्कुल उलझिएगा नहीं, जो 26-27 क्वेश्चन आ रहा है उसमें मैं ही नहीं, किसी बड़े टीचर का आप ले लीजिएगा, देखिए वो बाई ऑप्शन करवा के आ रहा है क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बाई ऑप्शन जा रहा है, क्योंकि बेसिक से जाएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 5 मिनट करवाएगा क्वेश्चन, आप भी वहीं 5 मिनट खराब करेंगे। 3 से 4 4 से 5 क्वेश्चन मैथ का ऐसा है नहीं बन रहा है। रीजनिंग 2-3 क्वेश्चन जो है, जो दे दिया है किसी सिलेंडर को बीच से काटा जाए, परवलाकार, हेक्सागन, पेक्सागन, मतलब 4D का क्वेश्चन दिया है, मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो आप लोग इसके लिए मत परेशान होइएगा, आप लोग आराम से निस्वार्थ भाव से जाइएगा, आराम से बिना हेजिटेशन के आराम से पेपर दीजिएगा, जो आएगा करके आइएगा, जो नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से मतलब निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।